जुहार नुआखाई एक्सप्रेस के स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना खबर मूल करमा मुख्य खबर चाषी मान के केन्द्र आर गोटे उपहार डीएपी सार उपरे सब्सिडी 140% के बढ़ला एवं 2400 बदले 1200 टंका निष्पत्ति के ऐतिहासिक कहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गामुहा हेलान कोरोना राइजर भित्रिया गाँव मान के पहुंची न पार्बार सचेतनता टीवी की मोबाइल न्या लगी जानी न पार्बार नियम केन्ता अटकावे संक्रमण उठला प्रश्न राइज ने मरबार संख्या रेकर्ड भांगला कोरोना आज 25 जन कर मरण हो आड़े 11498 पॉजिटिव सुंदरगढ़ ने सबको नु जह 703 बरगढ़ 395 संबलपुर 393 कोविड युद्ध के न मिला चिकित्सा गस्तले बसी रहले अंगनवाड़ी कर्मी पॉजिटिव उतरु डाक्तर को रायत सारा जगले पद्मपुर उपखंड मुख्य चिकित्सालय नु आला चित्र आसुचे बात्या यस 22 ने बंगोपसागर ने लघुचाप बास्तर घंटा ने नेवा सामुद्रिक झड़ रूप 26 ने ओडिशा पश्चिमबंग भितरे हेई पारे लैंडफॉल पूरा खबर के गला 24 घंटा भितरे राइज ने 11498 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेछन क्वारंटाइन नु 6439 बाहर थिबार बेलके 5069 जन स्थानीय आक्रांत बोलिकिना जना पड़छे राय सूचना लोक संपर्क विभाग आडू तथ्य मिलिछे गला 24 घंटा ने सुंदरगढ़ नु 703 जन चिन्हट हेछन जेंटा कि सबनु जहाय हेंता बरगढ़ नु 395 तारतले रहिछे संबलपुर 393 बौद्ध 313 बलांगीर 294 देवगढ़ 114 झारसुगुड़ा 247 कलाहांडी 205 संबलपुर 393 और सोनपुर 217 जन पॉजिटिव बाहरी छन सियाड़े द्वितीय लहर ने राइज ने मरबार संख्या भिल बढ़तेल जाउछे आर आयस्त तो रेकर्ड भांगी छे 24 घंटा ने आरु 25 जन कर जीवन नै छे महामारी इटा के मिसे किना राइज ने मोट कोविड मृत्यु संख्या 2403 छुई छे राजसारा पद्मपुर उपखंड मुखिया हॉस्पिटल ने बर्गस्थले बसी रहले कोविड संक्रमित अंगनवाड़ी कर्मी ऐलाभटा गाँव जने अंगनवाड़ी कर्मी कर गला दुई दिन हेला गोड़ भांगी जाइथिला बुधवार बेलबुड़ाने दिह खराब होता पद्मपुर मुखिया हॉस्पिटल के आयला बेलके कोविड रिपोर्ट आयला पॉजिटिव हॉस्पिटल तरफ नु कोविड केयर सेंटर की होम आइसोलेशन ने रहबार लगी नै कही डाक्तर आसबार तक जुगी रह बोलिकिना हॉस्पिटल कर्मचारी मैंने हेथिर कहीं जे संक्रमित आर तांकर स्वामी गस्तले हेन्ता बसी रहीछन आर पूरा राति काटिछन गुटे आड़े सरकार अंगनवाड़ी मानके कोरोना योद्धार मान्यता देउछन एंता बेलके जने अंगनवाड़ी कर्मी संगे एंता व्यवहार प्रदर्शन करा जाय छे जेंटा इलाका ने प्रश्न उठे छे आज रेफर कर देमी जे जीव हन के बोलु छ बोले रे सारा सर मते इना बसे के रखी छ आ मुई निसास ने तो गुड़ भांगी थिला बोले जोर दिन अगर जोर होतला का राती टोटी सुखी होय छे जते पेन पीले टोटी सुखी जे मते हॉस्पिटल ले नियो बोले 108 डाकलु आरो हॉस्पिटल आइलु जते बेला इनो कोविड टेस्ट करब कोविड ये टेस्ट कराला कोविड पॉजिटिव बाहरी छे बोले तापरे से विजिट आइले इंजेक्शन दे देले आर से आज्ञा गोटे बोले तुम्हें जो तुम तो पॉजिटिव बाहरी छे तो तुम बर्तले बस रात सकाल डॉक्टर आले तुम देखबे आरो तुम जेंडा कहबे बोले गामुहा हेलान कोरोना उपांतर आदिवासी इलाका ने कोरोना लगी लुकमान कर भितरे केतने केते डर पसी गला न राइजर उपांत इलाका ने एंता बहुते गांव छे जेने कोरोना सचेतनता वार्ता पहुंची ना पर बार टीवी पेपर की मोबाइल ना थिबा लगी एंता गुटे इलाका ने केंता आदिवासी मानकर सचेतनतार वार्ता पहुंचवा सेटा बड़ चिंता इटा के नेकिना स्थिति परखीचे अर्गस न्यूज कलाहांडी कलापाटनु आसुन देखमा अमर ग्राउंड रिपोर्ट कलाहांडी कलापाट अभयारण्य भितरे गुटे न छोट गाँ श्यामलपदर गाँ लुक को जना नहीं न कोरोना कटकना नियम सरकार कर लॉकडाउन और शटडाउन बाबद ने भी इमाने किछि नहीं जानन
खबर कागज टीवी इमान को लगी जेंता सात सपन जेन गां के एबे तक बिजली जाई नि पाल्ला सेनो टीवी के नु आसबा गां आदिवासी खाली एतकी जानसन शहर के गले से मन के मास्क पिनबा के पड़बा नहीं हेले पुलिस पिटबा मास्क के जे पिनबा के पड़बा पिनले काना हेबा से कथा भी इमान के जाना नहीं ना कोरोना में मर तो आएगा हमें तो किच्छ हमें नहीं जानो है तो ये एरिया ने तो ये रामपुर ब्लॉक ने किच्छ यार लगलर नहीं खाली है शहर भीतर बाहर देश में तो जो लागी थी कि नहीं लागी थी मतलब खान सुनो चु हमें देख लार भी नहीं कैंता टा कोरोना रो कैंता कर जात होती कैंता कर काढ़ा होती आ सरकार लोग तो आएगा निष्पत्ति के भी आसफार नहीं हमें तो धर्म नहीं गाँ ने बुलबा बेल के गस्तले खटियाने सुईथिबार गोटे लोक उपरे नजर पड़ला पचरे बुझलु ना तांकर उमा माछी किछि दिन हिचे जरे पड़िछन तांकु पचरा लागे जना पड़ला उसो तांकर लागे सात सपन झड़ा फुंका आर चेर मुली के भरसा करिकिना पड़िछन उमा सेंता तेतेल पदर गाँर सेनापति माछी 15 दिन हेबा जर हेउछे से भी चेर मुली खाइथिले किंतु किछि काम नै देला प्रशासन पाखे इमानकर खबर नहीं न कि डाक्टर टीम रा देखा नहीं न लॉकडाउन लगे गाँ रु गाड़ी नहीं जाई पारबा इंता स्थिति ने भगवान ऊपर सब कुछ छाड़ी दबार छड़ा इमानकर पाखे किछि बाट भी नहीं न आमे सेरी मुली विकास हो आइगा जो आशा दीदी तने ओसो तिले हेटा ठीके खाउचु नहीं हेले बेजन के धर्मु बोती देखे हेमु और कुकड़ा मकड़ा लगले पूजा देउछु नोड़िया बिछो पूछु से बेले हमें बोल हो जाउछु हमें कोरोना बीमार फमार नहीं तो आएगा हमार आड़े नहीं सरल जीवन जापन बचत बारी आदिवासी मन के जर हेले पहला जड़ी बूटी खुसन नहीं हेले झड़ा फुंका केबे हॉस्पिटल जाई किना स्वास्थ्य परीक्षा करबार की उसो कसा खाइबारी मनकर भाइग ने नै आसी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाखे इमानकर स्वास्थ्य समस्या बाबद ने किसी खबर भी नहीं न मतलब से वायरस लागते लागते बोलसन जेता से हमें चुनु चुना आरी सुने बोलबाटा बोले नहीं जाने मुई हई नहीं जान लाटा के नहीं सुन लाटा के बोले हमई का नहीं से अभिजोग अमूलक हमर आशा अंगनवाड़ी एएनएम माने से माने प्राणपण लागी जंती तो गां डोर टू डोर भिजिटी कर जंती एवं लोक मान का आशा असुमारी सब सब से तो हेबानी କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେମାନେ ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରୋନା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅନବରତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସହରରେ ଟ୍ରେସିଂ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ମାତ୍ର ରୂପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ସତେ ଯେମିତି ସରକାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆ ଆର୍ ଖଇରପୁଟର ବଣ୍ଡାଘାଟି ବାଗିର କଲାପାଟନେ ବି କରୋନା ତାର କପ୍ ଦେଖାଉଥିବା ବେଲକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କେବେ ଇନ୍କେ ଆସବେ ଟ୍ରେସିଂ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରବେ ସେଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା କଲାହାଣ୍ଡି କଲାପାଟରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାର ସବସିଡି ବଢ଼ାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଡିଏପି ସାର ଉପରେ ବସ୍ତା ପିଛା ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସିଡି 500 ଟଙ୍କାକେ ବଢ଼େଇକିନା 1200 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଇତାର ଅର୍ଥ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ପୁରୁଣା ଦାମ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଡିଏପି ସାର ଘିନିପାରିବେ ଫସ୍ଫରିସ୍ ଏସିଡ୍ ଆରୁ ଆମୋନିଆ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦାମ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛି ଯାହାର ଲାଗି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରନେ ସାର ଦାମ ଜହ ବଢୁଛେ ହେତିର୍ ଲାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ପୁର୍ଣ୍ଣା ଦାମନେ ଡିଏପି ସାର ଯୋଗେଇବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଷାମାନେ 2400 ଟଙ୍କାର ଡିଏପି ସାରକେ 1200 ଟଙ୍କା ନେ ଘିନିପାରବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବସିଡି ଦାମନେ 140% ବଢ଼ଉଛନ୍ ସାର ଦାମ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାର ବୋଝକେ ସରକାର ନିଜେ ଲଦି ହେବେ ଇତାର ଆଗରୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଥରେ ସାର ସବସିଡି ଏନ୍ତା କରି ବଢ଼ି ନେଇଥି ଗଲା ବଛର ଡିଏପି ସାର ଗୋଟେ ବସ୍ତାର ଦାମ 1700 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସରକାର ତାର ଉପରେ 500 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେଉଥିଲେ ଯହ ଦରଦାମନୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସବସିଡି ବଢ଼ାବାକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ ସଭେ ବଛର ରାସାୟନିକ ସାର ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ ହେଲେ ଇଥରକେ ଡିଏପି ସାର ଲାଗି ସବସିଡି ଦାମ ବଢ଼େଇଛନ୍ ଯାହାର ଲାଗି ଖରିଫ ଋତୁନେ ସରକାର ଅଧିକା 14,775 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରବେ
କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଖାତାରେ 20,667 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଏ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍। ସବସିଡି ଦାମ ବଢ଼ବାର କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆରୁ ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣରୁ ସାରର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଳଣି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ଉପରେ ଥିବାର ସବସିଡ଼ିର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ଆମେ ଚାଷ ସାର ପାଇପାରିବୁ ବୋଲିକରି ଖବର ଆସିଛି। ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାର କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ। ଆମେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଆମର DAP ସାର ଉପରେ ସେ 1200 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଉପକାରକୁ ସେ ଲାଗ୍ବା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରୁ ଆଶା ରଖମୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତର ସାର ବିହନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ରେଟ୍ ସବୁ କେମିତି କମାବେ ଏବଂ ସେଟା କମଲା ପରେ ଚାଷୀ ତାର ଲାଭ ପାଇବା। କରୋନା କାଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚଷାଙ୍କର ଲାଗି ଉଷ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସାର ଘିନାକେ ନେଇକରି ମୁଡ଼ ଦୁଃଖା ନଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ କମ୍ ଦାମରେ ସାର ପାଇପାରବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ଚଷାକୁଲ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏ ବାବଦ ନେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରମା। ସମ୍ବଲପୁର ନେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଲୟ ଭୋଇ ଅଛନ୍, ବରଗଡ଼ ନେ ମନୀଷ ଅଛନ୍, ଆର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନେ ଅଛନ୍ ଆମର ରିପୋର୍ଟର। ଆମେ ଲଗାତାର ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କରମା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭିଲ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ପହଲା ମଲୟଙ୍କର ପାଖେ ଯିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି। ମଲୟ, ସାର ସବସିଡ଼ି ବଢ଼ବାର ଯେନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହେଟାକେ ନେଇକିନା ସମ୍ବଲପୁର ନେ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ଦେଖୁନ୍ ସୁତି ଲଗ୍ନା, ଇହାଦେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ସାରା ଚାଷୀ କୁଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍, ଯାହାହେଲେ କି ଚାଷୀମାନେ ଏହାଦେ ସାର କମ୍ ଦାମ୍କେ ପାଇପାରିବେ। ଯେନ୍ଟା 2400 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଟା ଇହାଦେ ସରକାର ସବସିଡ଼ି କରିଛନ୍ 1200 ଟଙ୍କା, ଆର୍ ଇହାଦେ ଚାଷୀମାନେ 1200 ଟଙ୍କାର ଚାଷ ସାର କିଣିପାରିବେ, DAP ସାର। ଇତାକେ ନେଇକିରି ଚାଷୀଙ୍କର ମନେ କେନ୍ତା ଖୁସି ହେଉଛେ, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ପଚାରମା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବି ଚାଷୀ, ଇହାଦେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍, DSP ସାର 1200 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି କରିଛନ୍, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍? ଦେଖୁନ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2400 ଟଙ୍କା DAP ସାର ହେଇଗଲା, DAP ସାର ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ମାନେ ଭୟ ଥିଲା, ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1200 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍, ଆଜି 1200 ଟଙ୍କାରେ 2400ରୁ 1200 କଟିଗଲା। ଯେତେ ବି ମାନେ ବସ୍ତା ମାନକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଯେ 2400 ଟଙ୍କା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ରେଟ୍ ହେଉଛେ 1200 ଟଙ୍କା। ମୁଇଁ ଇନ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତ 1200 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଦେଲେ 1200 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ବା ସାର, କିନ୍ତୁ ସାର ରାଜ୍ୟକେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କାମ ହେଉଛେ ଭାରତ ସରକାରର। ଭାରତ ସରକାର ତ ଯୋଗାଇ ଦେବେ 1200 ଟଙ୍କାରେ, ଓ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ସେତିକି ସଜାଗ ରହିବା କଥା, 1200 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇବା କଥା। ଯଦି 1200 ଟଙ୍କାରେ ସାର ନେଇ ପାରିଲେ, ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ପାଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ, ଇଟା ଫେର୍ ଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ତାର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ଦୂର ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛେ ଆମେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଚାଷୀମାନେ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଛୋଟ ଚାଷୀ ହଉ କି ବଡ଼ ଚାଷୀ ହଉ, ମାନେ 2400 ଟଙ୍କାରୁ 1200 ଟଙ୍କା କଟିଗଲା। ଆଉ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କହିମି, ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ DAP ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ମାଟି ସାର ଆମେ କହୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିସୁଁ। ଆମେ ୟୁରିଆ ପଛେ ଖରିଫରେ ଆମେ ୟୁରିଆ କମାବାକେ ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆମେ ଯହ ଚାଷ୍ କରସୁଁ। ଇଟା ଛୋଟ ଚାଷୀନୁ ଧରିକିରି ବଡ଼ ଚାଷୀ ସବକରି ଲାଗି ଖୁସିର କଥା ହେ, ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଖୁସିର କଥା, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ ବରଗଡ଼ରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ମନୀଷ ଅଛନ୍। ମନୀଷ, ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀମାନେ କାଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ନେଇକିନା?
हाँ निश्चित रूपे स्मृति लग्ना आम जब देखमा बरगढ़ जिला हूँ ओडिशार भाथाणी तार सांगे सांगे इनु बेसी सौत्रु बेसी धान चाष हेसी आउ पनीपरिया भी चाष हेसी किछि दिन आगरु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जेन प्रधानमंत्री किसान योजना रे जेन चाषी मानकु टंका देथिले तांको खाता रे सेटा के नेकरी सेमाने जेतले खुशी रे थिले अक्षय तृतीया दिन तार सांगे सांगे यहादे कालका आज जेन फिर गोटे खुशी रो खबर चाषी मानको लागि आसी जे जेनटा कि सब्सिडी रो रेट टाके 140% अटका कर दिया हिचे जेतेबेले अंतर्राष्ट्रीय बजार रे रासायनिक सार मानकर रेट माने बढ़ुला से लगी जेन डीएपी यूरिया ये सब जिन मानक भी रेट बढ़ी आउ जेनटा आगु 1700 टाँह लेखा गला थर चाषी मैंने घिनुते तार दाम यहाँ 2400 टाँह कर दीजिए तो सेताके नहींकर चिंतार थे कि जगह चाषी क्या कि जदि आम देखमा बोले चाषी यहाँ बहुत हंतसंत हो जेन धान जेन चाष करीचन से कोरोनार कटकणार फसिकी रोचन कि लेबर ना पाबार ना समस्या सम्मुखीन होचन तार सांगे सांगे धान अभावी बिक्री भी लगी रोचे तो यहाँ गोटे जेन सब्सिडीटा कराई जो 2400 टाँह होता से मुड़ मुड़े चड़क पड़ला झारसुगुड़ा रिपोर्टर सुरेन्द्र निके जिमा सुरेन्द्र कण प्रतिक्रिया आसुचे केन्द्र सरकार को निष्पत्ति के नेकिना सब्सिडी चेंज करा जाइछे दर बढ़ा जाइछे हेटा के नेकिना कण कोचन चासी देखुन निश्चित भाव गला निष्पत्ति केन्द्र सरकार नहीं निकरी आम पांच अंचल लखनपुर ब्लक एरिया अच्छा जेहतु लखनपुर ब्लक एरिया हजारे ऊपर कलस्टर बोरवेल अच्छे उठा जलसेचन प्रकल्प अच्छे से पनीपरिया अधिक परिमाण में करते तो आम कि चाषी प्रतिक्रिया नहीं से बहुत खुशी अच्छा जेहतु केन्द्र सरकार सबुत बड़ कथ जे चाषी मैंने पीएम किसान पाइन तार सांगे सांगे केन्द्र सरकार जे बर्तमान सारे जे सब्सिडी देचन से दुख लाघव है अन्य पक्षे आम जे आम जिला कृषक संगठन मुखपात्र बीरंची साहू तांकर हले प्रतिक्रिया नहीं से केन्द्र सरकार पदक्षेप के ऐतिहासिक होते जेहेतु बर्तमान केन्द्र मंत्री केन्द्र सरकार नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में जो सरकार अच्छी बर्तमान चाषी अनेक योजना करुच्ची से पीएम किसान कथा कहतु एवं गत काली जो निष्पत्ति सार जे सब्सिडी नाबार्टा चाषी महल में बहुत खुशी अच्छन से आशा प्रकाश कर आगामी दिन रही केन्द्र सरकार चाषी मान लगे नहीं भल योजना कर मोटामोटी कहले सब जगह ने चाषी मैंने खुशी व्यक्त कर केन्द्र सरकार एंता गोटे निष्पत्ति के सभी स्वागत कर बहुत बहुत धन्यवाद आम रिपोर्टर मैंने रही थे भिन्न भिन्न जगह नुका सूचना दूसरे कथा देखना कथा रखले केन्द्र मंत्री कोरोना मुकाबला लगे राउरकेला के मिलला शक्ति सबु देश मानवा जे राउरकेला और सुंदरगढ़ के मॉडल आईजीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल होचे 100टा वेंटिलेटर संगे आईसीयू बेड रो लोकार्पण करिछन धर्मेंद्र प्रधान तबे वर्चुअल ने इतार उद्घाटन करा जाइछे राज्य सरकार को ए उभयंकर मिलित प्रचेष्टा रे किछु दिन पूर्वे जेतेबेले कोरोना रो प्रकोप आरंभ हला आमर सुंदरगढ़ जिलापाल मते फोन करथिले आज्ञा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर रे परिणत करबा पई कोविड हॉस्पिटल भावे मो सेल कर्तृपक्ष को दायित्व देथिलि जे तुरंत ए अपेक्षा को पूरा करबा पई आरंभ रे 40 टी बेड युक्त गोटी हॉस्पिटल वेंटिलेटर व्यवस्था सह आरंभ हला हॉस्पिटल परवर्ती अवस्था रे ये आजी जो पाई आम समस्ते एकाठी से मुझे दीपक चटार को पचारी केते वेंटिलेटर अच्छी से कहले 47 टी वेंटिलेटर अच्छी यार ओरिजिनल प्लान रे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रे 47 वेंटिलेटर रो व्यवस्था थिला मुझे नाई आवश्यकता पड़ो यही थर मुझे जी अनुभव करुची ऑक्सीजन आउ वेंटिलेटर सेकेंड वेव रो सबुठू बड़ आवश्यकता हबो तेणु आमर एठी सुविधा अच्छी आपण पाखे बेड अच्छी आपण याकु पूरा करंतु तेणु तांको मु कहितिलि जे 100 बेड रो वेंटिलेटर व्यवस्था करबा पई कोरोना संक्रमण नो निज के बचाबार के हेले रोग प्रतिरोधक शक्ति जरूरी आए इटा आयखागाडे रखिकिना सोनपुर जिला बीर महाराजपुर बीजेपी आडो महालियाथी काढ़ा बंटन करा जाउछि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक तरीका ने काढ़ा लुके पीले इम्यूनिटी बढ़वा इटा बीजेपी तरफ कहा जाउछे 16 प्रकार जड़ीबूटी जेंता कि गिलोय गुड़ महु मेल्थी गोलमरीच मिसा होछे आर काढ़ा बने किना सबको बंटा जाउछे लोग माने भी सचेतन होछन इटा के नेकिना ई कार्यक्रम आसबार 1 तारीख तक चलबा बोलिकिना जना पड़छे
समय लोकंर रोग प्रतिषेधक शक्ति बढ़ावार लगे आम निःशुल्क काढ़ार व्यवस्था कर गिलोई डालचीनी जुआणी पान मोहरी अदा लेंबू महु गुड़ इत्यादि तुलसी पत्र होगी षोहटा आइटम पड़ी कि अधा घंटा फुटालापर लोक मानक पीवाके पीबार फल लोक मर इम्यूनिटी पावर बढ़वा इम्यूनिटी पावर बढ़लापर लोक मैंने करोनारु करोना सहित संग्राम करें। नुआखाई एक्सप्रेस के अनुरोध में जुहार।